हजारों की संख्या में आए हम लोग लाखों की संख्या में आए हुए हैं, लाखों में हम लोग हैं। सब लोग जहाँ तहाँ कहीं गांधी मैदान में कहीं घेरा गया है। क्या घेरा, कौन घेर लिया है? सब सरकार घेर ली है, सरकार घेर करके हम लोग रास्ता नहीं पहुँच नहीं दे रही है, धरना स्थल पर हम लोग को पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग जहाँ तहाँ छिटाए हुए हैं। तो आप लोग इससे पहले अनुमति लिए होंगे ना धरना? हम लोग दिए हुए हैं, सरकार को दरखास्त दिए हैं। सरकार क्यों घेर रही है? घेर रही है कि ज्यादा भीड़ देखे घबरा गई है, घबरा गई है, घबरा गई है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा। यानी कि लाखों की संख्या है, लाखों की संख्या में हम लोग आए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त हम गर्दनीबाग विशाल महाधरना स्थल पे हैं, जहां पर मैं बिहार के कोने कोने से जो डीलर हैं वो पहुंचे हैं इस बात को लेकर, समस्या को लेकर कि हम लोग को सरकार से कुछ नहीं मिलता है। यहां तक कि जो भी मिलता है कमीशन कुछ मिलता है ना, महीना मिलता है ना ही हम लोग को जो सरकारी जो तरीके होते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग काम मेहनत करते हैं कुछ नहीं मिलता है। आखिर क्यों नहीं मिलता है? ये लोग क्यों परेशान हैं? बिहार के कोने कोने से क्यों पहुंचे हैं? आज तकरीबन हजारों की संख्या में यहां भीड़ लगी है गर्दनीबाग धरना स्थल में। ये तस्वीर जो देखिए आप, गेट जो है जाम हो गया है, आम जनता को भी जाने की आने जाने की दिक्कतें हो रही है और ऐसे में प्रशासन जो है इसको मतलब बंद किया है। फिलहाल बहुत बड़ी समस्या है, गाड़ी भी जो है देख रहे होंगे तस्वीर, प्रशासन की गाड़ी है ये, अभी जो है गाड़ी आगे पीछे नहीं हो पा रही है। क्या समस्या आखिर ये? हम लोगों की समस्या है कि हम लोग काम करते हैं, सरकार का काम करते हैं, जनता का सेवा करते हैं। हम लोगों को पेट पालने के लिए हम लोगों को तनख्वाह चाहिए, मजदूरी चाहिए। एक साधारण सा मजदूर है उसको 500 रुपया मिल रहा है मजदूरी, और हम लोगों को ऐसे ही खटा रहा है सरकार, और वो 90 पैसा कमीशन देती है जो कि दो दो साल तीन तीन साल पर मिलता है। कैसे चलेगा परिवार हम लोगों का? कैसे बाल बच्चे पढ़ेंगे? कैसे बाल बच्चे पढ़ेंगे? इसी की मांग के लिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हम लोगों की बात को सुने, सरकार इस चीज पर ध्यान दे और हम लोगों का जो है वेतन बांधे, वेतन से हम लोगों का परिवार चलेगा, बाल बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? मतलब वेतन फिक्स करवाना चाह रहे हैं। हाँ, आप लोग क्या कहेंगे? सही बोल रहे हैं, वेतन फिक्स होना चाहिए। वेतन फिक्स होना चाहिए हम लोगों को। हाँ। कम पैसे के बदला कमीशन मिलना चाहिए, वेतन भी और कमीशन भी। जी जी, तो मुख्य रूप से इतना विशाल धरना करने का वजह? वजह है कि जब पैसा नहीं देता है, 2023 से 20 से हमको, हम लोगों को पैसा भी मार्जिन मनी वाला बाकी है, पैसा नहीं देता है। बिहार के कोने कोने से आप लोग? एकदम कोने कोने से पहुंचे हुए, संख्या में लगभग होंगे। हाँ, तो क्या सरकार से अपनी बातों को रखेंगे आप लोग? क्या बिल्कुल रखेंगे? क्या रखेंगे? क्या यही रखेंगे कि हम लोगों को मान दे दे, हम लोगों को तनख्वाह दे, हम लोगों का बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे जिएगा, हम लोग जिंदगी भर ऐसे ही सेवा करते रहे। क्या तेजस्वी जी अभी युवा है, उप मुख्यमंत्री है, क्या उनसे उम्मीद कर रहे हैं आप? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं तेजस्वी जी से, इस बात को जरूर सुनेंगे। एक बार भी मिले हैं उनसे? अभी तक तो हम नहीं मिले हैं। अभी तक तो आप लोग मिले नहीं, विशाल धरना शुरू कर दिया? मिले नहीं, तब सवाल है कि धरना दिए इसके बाद अब वो क्या कहते हैं, धरना के द्वारा उनको हम सब लोग करेंगे। सरकार को अध्यक्ष महोदय ने दिए हैं लेटर। देखिए तस्वीरों को देखिएगा, ये जगह जो है धीरे धीरे खुल रहा है और लगभग लाखों की संख्या में भीड़ लगी है, और ऐसे में इस जगह को बंद जगह जो है धीरे धीरे खुल रहा है। देखिए तस्वीरों में लोगों की भीड़ को देखिएगा, किस तरीके से लोग परेशानी हो रही है गर्दनीबाग धरना स्थल में। आम जनता जो है परेशान है, त्रस्त है, और ऐसे में लाखों की संख्या में गर्दनीबाग धरना स्थल पर लोग मौजूद हैं और हर एक जगह जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, लेकिन जो जगह है अभी भी जाम है। जी जी, क्या कहेंगे? शिवहर से हैं। हाँ हाँ, शिवहर से हैं हम लोग सरकार को ज्ञापन दिए थे। हाँ। कि 10 जनवरी को हम लोग महा धरना करेंगे। जी। और सरकार हम लोग की आवाज नहीं सुन रही है। हाँ। और माह दिसंबर में हम लोग का पैसा जमा करवा ली है और न पैसा वापस कर रही है। हाँ। आना हम लोग 2020 से हम लोग का कमीशन रखे हुई है सरकार। अच्छा, अच्छा। तो सरकार का मनमर्जी चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नीतीश जी, दूसरा स्टेट क्या इससे ज्यादा मनमानी क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इससे ज्यादा मनमानी क्या हो सकता है? नीतीश कुमार पे क्या लग रहा है आपको? नीतीश कुमार तो हम लोग सोया हुआ है, तो आदमी बहरा कान में बहरा तेल सोया हुआ है, मतलब कान में, मतलब कान बहरा करके सोया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा स्टेट मध्य प्रदेश अभी मानदेय देने की घोषणा की है परसों शिवराज सिंह पाटिल। वो तो बोलते हैं कि हम हर लोगों की बातों को सुनते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं ना कोई झूठा है, झूठा झूठा हो, ऐसा मुख्यमंत्री तो कभी बिहार में हुआ ही नहीं है, कभी ऐसा है। हाँ, ऐसा है बिहार इस बार। तो आप लोग नीतीश कुमार से मिलेंगे इस बात को लेकर? बिल्कुल मिलेंगे, हम लोग तो बराबर उनके कमिश्नर से मिलते हैं, 6 तारीख को भी मिले थे, उनको मिल करके ज्ञापन दिए हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग का
जो पूरा संगठन चारों संगठन हम लोग एक हो कर करके और लगता है कमिश्नर जो है उनके मुख्यमंत्री की बात पहुंचाते हैं, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाते हैं। अब तक सरकार बिल्कुल पहुंचाएंगे, सरकार उनकी है, कमिश्नर उनका है, तो वो ना पहुंचाएंगे तो फिर क्यों सोए हुए नीतीश जी? अब तो वो उनकी मन मन मर्जी, हर जिले में घूम घूम कर जो अपनी यात्रा कर रहे हैं, जबकि हर ब्लॉक के हर जिले के विधायक लोग यहाँ विधानसभा में आते हैं। अभी 15-20 दिन के बाद सत्र चलेगा ना, जो भी समस्या होगी वही से अपना हल कर लेते, तो अपना वो है घूम करके हर जिले में अपना यात्रा जो है कर रहे हैं। तो आज ये बताइए कि आज आप लोग इतने जन सैलाब में हैं, लाखों की संख्या में, क्या कुछ करेंगे आज आप लोग? क्या करेंगे हम लोग? करोड़ों मरोड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, जो भी होगा हर पर की लड़ाई लड़ेंगे। आखिर क्या करेंगे हम लोग? अभी अभी दो चार डीलर हमारे अभी मरे हैं, अभी इस सप्ताह मरे हैं दो चार डीलर। मरे हैं क्यों? मरे हैं भूखे, मर रहे हैं, क्या करें? अभी जो है दिसंबर का अनाज नहीं मिला, उसका पीएमजी भाई 2 महीने का था, 1 महीने का बंद कर दिया, 1 महीने का दिया। आज शाम तक आप लोगों को पुलिस हटाएगी तो फिर क्या होगा? हटाएगी, बंद गए, यही मारे पीटे हम लोग। अभी देखिए आपको सामने देखिए गेट बंद कर दिया है, आने जाने के पब्लिक कोई रोकता है कहीं? कहीं रोकता है किसी को पब्लिक आने जाने के लिए? अब आप रास्ता जो है बंद कर दे, आने जाने के लिए जो सुविधा उसको तो क्या करे? बताइए, 70% ही सरकार है ये सरकार जो है, ये तानाशाही है, गरीबों का एक भी बात नहीं सुनता है। और नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए लगातार कर रहे हैं, ये एक दिखावा है उनका, ये जो है उनका छलवा है। और आप लोग खुल करके आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि ये तानाशाही सरकार है, ये आज भारत के संविधान में भी है। वो कहते हैं कि जो माने हम इनका दुकान लाइसेंस रद्द कर देंगे, पहले वो संविधान पर है जिसमें लिखा हुआ है कि फ्री में आप काम नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए आपको भी जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा कि नीतीश कुमार तानाशाही हैं, लेकिन क्या आप लोग इतने जन सैलाब में आज हैं तो क्या फिर शाम तक रहेंगे या फिर आप लोग जहां जहां से आए निकल जाएंगे? नहीं, हम लोग तो एकदम जो है सो आज ये प्रदर्शन किए हैं, आज आगाज किए हैं, आज प्रदर्शन किए हैं। इससे अगर नीतीश कुमार नहीं सुनेंगे तो अब उनको जो है उनके हर विधायक को हम लोग घेरने का काम करेंगे, उनके हर विधायक हर संसद को हम लोग घेरने का काम करेंगे अपने अपने क्षेत्र में, माने चरणबद्ध शांतिपूर्ण ढंग से मैं आंदोलन करूंगा और अपनी हक की लड़ाई लड़ूंगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रामबाबू पासवान, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन उपाध्यक्ष जी, सह दरभंगा जिला अध्यक्ष। दरभंगा से हैं जी? जी जी, क्या? अच्छा जी, दरभंगा से हैं। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि ये जिस तरह से तानाशाही सरकार का चल रहा है रवैया मनमानी, ये अब चलने वाली नहीं है। चूंकि हम लोग लाखों लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उस स्कीम में हम लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे में ये डीलर जो हैं तकरीबन अभी गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में है, ये साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हम लोग 40,000 हम लोग है, 40,000 डीलर जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं, कोने कोने से आ रहे हैं बिहार के, और साफ मांग कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के विधायक को घेरेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी नहीं सुनेंगे, अगली कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा, फिलहाल शुक्रिया। विधानसभा